सर्दी बढ़ते ही आम लोगों को रात में ठंड से बचाने के लिए जगह जगह अलाव जलाए गए। इन अलावों से सड़कों पर रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। सिंगरौली में अभी साइक्लोन मिचोंग का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ सिंगरौली जिले में अधिकतम तापमान 22 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री पर आ गया है। बढ़ती ठंड को देखते हुए नगर पालिका निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह धाकरे के दिशा निर्देश पर बैडन के अंतरराज्यीय बस स्टैंड, मस्जिद तिराहा, टॉकी चौराहा, अंबेडकर चौक, विंध्य नगर के इंदिरा चौक, जिला अस्पताल परिसर सहित नगर निगम क्षेत्र के चारों जोन के सार्वजनिक स्थलों पर नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा जगह जगह अलाव जलाए, जिससे लोग ठंड से राहत महसूस करते देखे गए। बढ़ती ठंड को देखते हुए बैडन व मोरवा स्थित सार्वजनिक आश्रय स्थलों में लोगों को ठंड से बचाने के लिए जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था नगर निगम द्वारा कराई जा रही है। जैसा कि पिछले 72 घंटे से मौसम काफ़ी बदला हुआ है और काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ी हुई है, और नगर निगम के द्वारा इस अलाव की जो व्यवस्था की गई है बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था अगर नगर निगम और चौराहों पर करे, लोगों के लिए सुविधाएँ बढ़ाए, जैसे कि रात में जैसे बस में सफ़र करने वाले लोग हैं वो भी आके यहाँ पर अपने हाथ वगैरह गर्म कर सकते हैं, और मौसम काफ़ी ठंडा होने के कारण नगर निगम के द्वारा ये जो व्यवस्था की गई है ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, इसके लिए नगर निगम को धन्यवाद। अलाव की व्यवस्था पहले कर दिया होता लेकिन जो बरसात बीच में हो गया इसके कारण नहीं मिल पाया, और चुनाव जब हो रहा था उसी समय से अलाव लगना शुरू हो गया निगम का था, लेकिन जब चुनाव था जब बीच में जैसे चुनाव समाप्त हुआ आज हो गया 7 तारीख कई तारीख से गिरा मिले थे तो बरसात सब भीगे पर रख लेंगे, जो अभी आज गिरा दिए बहुत तो अच्छा हुआ, क्योंकि यात्री आते हैं यहाँ पर लेबर रहते हैं पल्लेदार रहते हैं भोर में जाते हैं इनके द्वारा, ये जो था उनको धन्यवाद मैं तो करता हूँ। अगर बरसात नहीं होता है तो ये जब तक मतलब खिचड़ी तक 14 जनवरी जब तक ठंडी पड़े तब तक अलाव की व्यवस्था करें जैसे होता था, क्योंकि जैसे बस स्टैंड में चिन्हित करके यहाँ पर गिरा दिए। मेरा कहना यह है कि चौपाटी है अंबेडकर चौक तो वहीं देखा कि गिरा कि नहीं, गल्ला मंडी हो गया, मंदिर मस्जिद एक्सप्रेस हो गया वहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी सार्वजनिक स्थल है हॉस्पिटल हो गया, ट्रामा सेंटर हो गया, वहाँ भी व्यवस्था रही हूँ देख चुका हूँ जाके। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।